नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि भोपाल से मिल रही है। प्रवासी श्रमिकों की जानकारी अब जुटाएगी सरकार, बाहर जाने श्रमिकों की सूची बनाएगी। पंचायत संचालनालय ने निर्देश जारी कर दिए, कलेक्टर मुख्य कार्यपालन को निर्देश दिए गए। श्रमिकों के पलायन रोकने के लिए ये पहल की गई है। सरकार रोजगार की व्यवस्था करेगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे भोपाल से, जहां प्रवासी श्रमिकों की जानकारी अब सरकार जुटाने जा रही है। बाहर जाने वाले श्रमिकों की सूची तैयार की जाएगी। पंचायत संचालनालय ने ये निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अब प्रवासी श्रमिकों की जानकारी सरकार को जुटाना होगा। और इसे लेकर कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। श्रमिकों के पलायन रोकने के लिए ये सराहनीय पहल की गई है। इसके साथ ही सरकार एक बड़ी राहत देगी, रोजगार की व्यवस्था भी करेगी। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं संवाददाता विवेक की ओर। विवेक, प्रवासी श्रमिकों की जानकारी अब सरकार जुटाने जा रही, कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि रोजगार की भी व्यवस्था सरकार करेगी इसके साथ ही। में सरकार जो बेरोजगार है उनके लिए लगातार प्रयास कर रही है, और माइक्रो लेवल तक इस व्यवस्था को लागू किया जाए, इसके लिए पंचायतों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो प्रवासी मजदूर हैं, श्रमिक हैं, वो काम की तलाश में बाहर जाते हैं, ऐसे लोगों की सूची बनाई जाए जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाया जाए। सरकार मनरेगा और स्थानीय स्तर पर जो कई अन्य ग्रामीण स्तर पर जो फैक्ट्रियां हैं या काम करने की स्थानीय जो रोजगार है उनसे उन्हें जोड़ा जाए, और लिहाजा इसी को ध्यान में रखते हुए पंचायत विभाग ने सभी कलेक्टरों को ये निर्देश दिए हैं कि ऐसे श्रमिकों की सूची बनाई जाए जो काम की तलाश के लिए बाहर जाते हैं। ये व्यवस्था सरकार ने कोरोना काल में शुरू की थी, लिहाजा मध्य प्रदेश में अभी 1.5 करोड़ से अधिक ऐसे श्रमिकों की जानकारी सरकार के पास पहुँच गई है, जो हर साल काम की तलाश में गाँव से दूसरे शहर या फिर राज्य जाते हैं। ऐसे मजदूरों को मध्य प्रदेश के अंदर ही रोजगार मुहैया कराया जा सके, इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है, और यही कारण है कि अब माइक्रो लेवल यानी कि गांव से ये जानकारी, पंचायत स्तर से ये जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि ऐसे श्रमिकों की पूरी जानकारी विभाग को दी जाए, जिससे पंचायत विभाग उन श्रमिकों के लिए मनरेगा या अन्य जो रोजगार की योजनाएं हैं उन्हें शामिल किया जाए। खासतौर पर ये कहा गया है कि जो श्रमिक हैं जो पलायन करके बाहर जाते हैं उनके शिक्षा स्तर की भी जानकारी रखी जाए, यदि वो 12वीं पास है या फिर और भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, पीजी हैं, तो उन्हें और भी कई प्राइवेट नौकरियों में जगह दी जाए, अर्ध कुशल और कुशल जो श्रेणी है उसके तहत उन्हें रोजगार मिले। सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए तमाम जो सभी कलेक्टर है और जिला पंचायत सचिव है उन्हें ये निर्देश दिए हैं कि ऐसे मजदूरों की जानकारी इकट्ठा की जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें प्रवासी श्रमिकों की जानकारी अभी सरकार जुटाने जा रही है, बाहर जाने वाले श्रमिकों की जो सूची है वो तैयार की जाएगी। सरासर सरकार अब रोजगार की व्यवस्था भी करेगी, और श्रमिकों जो पलायन कर रहे हैं उसे रोकने के लिए एक सराहनीय पहल जो है वो सरकार की ओर से अब की जा रही है।